कॉटन का फैब्रिक लिया है, ये मैं 36 साइज में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर लेना है, जिस भी साइज का आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कितना लिया है मैंने, 36 इंच के हिसाब से मैंने ये 18 इंच लिया है, मतलब जो भी आपका साइज है 36 उसका आपको हाफ लेना है। तो 36 का हाफ मैंने ले लिया 18 इंच। अगर आपका 40 है तो 40 का हाफ आपको लेना है 20 इंच। और इसी तरीके से अगर आपका छोटा साइज है 30 है तो 30 का हाफ लेना है आपको 15 इंच। तो जो भी आपका साइज है उसका आपको हाफ कर देना है। तो ये मैं 36 साइज की बना रही हूँ, तो 36 के हिसाब से मैंने 18 इंच का ये स्क्वायर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे शेप देते हैं। शेप देने के लिए हमें इसे फोल्ड करना है, सिंपल वन फोल्ड। सेंटर में से फोल्ड कर लीजिए, एक और फोल्ड। तो यहां से हमारा 9 इंच है, इस तरीके से 9 इंच करते करते राउंड में शेप दे दीजिए तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा। तो यहां से हम 9 इंच पे इसके निशान लगाते हुए राउंड में पूरा निशान लगा लेंगे, इस कॉर्नर से लेके 9 इंच, 9 इंच, 9 इंच, इस तरीके से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कल आ गया है। अब हम इसे सेंटर में से अलग कर लेते हैं। तो इसे इस तरीके से बीच में करना है और यहाँ सेंटर में से इसे अलग कर लीजिए। तो ये हमारे पास 2 पीसेस आ गए। इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ये मैंने फोल्ड कर लिया। तो एक कप साइज हमारा इससे बनेगा और एक हमारा इससे बनेगा। ये हमारे 2 पीसेस आ गए। ये हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ पे हमारी डार्ट डलेगी इस तरीके से, एक डार्ट हमारी यहाँ डलेगी और एक डार्ट हमारी यहाँ डलेगी। अब हम पहले इसमें यहाँ पे डार्ट का निशान लगा लेते हैं। तो इसे मैं दूसरी तरफ को फोल्ड कर लेती हूँ, उल्टी तरफ को। यहाँ सेंटर में से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे बीच में हम डार्ट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच का निशान लगाना है यहाँ पे और लंबाई हमें लेनी है अप्रॉक्सीमेट 3 इंच और इसे इसके साथ मिला दीजिए। इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। ये देखिए, तो इस तरीके से डार्ट की शेप आ गई। ऐसे ही शेप हमें इस पे भी देनी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग कैसे करनी है, इसे मैं 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ इस तरीके से। इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे और इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस पर भी लगाना है आपको। इसे भी ओपन कर लीजिए, यहाँ पर इसे रखिए और इसे इस तरीके से करिए। ये मैंने कर दिया और यहाँ पर दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3 और 4, चारों पे सिलाई लग गई। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, ये हमारा इसके ऊपर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये जो डार्ट आ गई उसकी वजह से हमारी यहाँ पे शेप आ जाएगी। तो एक हमारा ये बन रेडी हो गया, सेम उसी तरीके से ये भी रेडी हो गया, ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो दोनों पीसेज हमारे रेडी हो गए। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं और टॉप वाली स्ट्रैप बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने, कपड़े की ही लिए हैं। और इस तरीके से ये जो पतले वाला इलास्टिक होता है, सॉफ्ट वाला इलास्टिक जो आजकल मास्क वगैरह में भी यूज़ होता है, मैं वो सॉफ्ट वाला इलास्टिक ले रही हूँ ताकि ये चुभे नहीं, वो इलास्टिक लेना है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं, स्ट्रेचेबल है तो हर एक साइज़ के लिए आप इस साइज़ के ले सकते हैं। ये है 2 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच। पहले हम इसे फोल्ड करके रेडी कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इसमें सिलाई लगा लीजिए। इन्हें इस पर सिलाई लगा ली यहाँ से लेके पूरा लंबाई में। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से सिलाई है, किसी भी कोई ऐसे आपके पास पेचकस वगैरह कुछ भी है उससे हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया, यहाँ से जो सिलाई थी उसे कट कर इस तरीके से। इसे भी सीधा कर लें, सीधी कर लिया। इसके बीच में हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो ये सॉफ्ट वाली इलास्टिक
ये मैंने 14 इंच की टू पीसेज इलास्टिक ली है, छोटे वाला सेफ्टी पिन, और हम इसे इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारी इलास्टिक बाहर ना निकले। यहाँ को बंद कर दिया तो इस तरीके से देखिए हमारी इलास्टिक लग गई। अब एक सिलाई हम इसके सेंटर में भी लगा लेंगे, तो यहाँ से सिलाई रखते हुए पूरा सेंटर में हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इलास्टिक के साथ हमारी ये स्ट्रैप रेडी हो गई। जैसे इसे रेडी किया ऐसे ही दूसरी स्ट्रैप भी करी। तो स्ट्रैप मैंने इस तरीके से रेडी कर ली, इस तरीके से सॉफ्ट वाली इलास्टिक डाल के। ये देखिए स्ट्रेचेबल है, तो दोनों स्ट्रैप मेरी रेडी हो गई। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने ये जो बनाया था ये लेना है इस तरीके से, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसे फोल्ड करना है यहाँ पे, ऐसे फोल्ड करते हुए। यहाँ वाला जो कॉर्नर है, यहाँ वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे आपको स्ट्रैप को रखना है बीच में। एक स्ट्रैप यहाँ पे रखी इस तरीके से, और फिर इस फ्लैप को इस तरीके से यहाँ से बराबर मिला लीजिए। ये यहाँ पे स्ट्रैप रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। यहाँ नहीं लगानी, यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा, इसे सीधा कर लीजिए। जैसे हमारी यहाँ पे स्ट्रैप अटैच हो गई, जैसे इस पे स्ट्रैप लगाई है वैसे ही इसके साथ भी स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए। रेडी कर लिया, जैसे एक रेडी हुआ था वैसे ही दोनों रेडी कर लिए। अब क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। ये वाला है, इसे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये हमारा नेक की तरफ आएगा, और यहाँ हम साइड में भी साइड्स बनाएंगे इसकी। तो इसे इसके ऊपर रखना है, ये है अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के करीब मैंने इसे इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है इस तरीके से, और इस पे हम सिलाई से इसे अटैच करें। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ से अटैच कर लिया। अब हम इसके नीचे वाली पट्टी बना रही, हो गया। तो नीचे की पट्टी बनानी है अब हमें, यहाँ नीचे के लिए और पीछे के लिए। तो इसके लिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 3 इंच इसके विड्थ है, और इस तरीके से इलास्टिक लेनी है, और इसकी लंबाई है एडजस्टेबल है, तो ये मैंने लिया है 32। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे फोल्ड करके रेडी करें, और हमें क्या चाहिए, इसके बीच में डालने के लिए इलास्टिक चाहिए। तो इलास्टिक कितने इंच की लेनी है हमें, 32 इंच है। तो हम इसे फोल्ड करके इलास्टिक का नाप निकाल लेते हैं, 1 फोल्ड, जो भी आपका नाप है उस पर फोल्ड करना है। उसके बाद एक और फोल्ड इस तरीके से, 2 फोल्ड मैंने कर दिए, एक और फोल्ड इस तरीके से, और एक फोल्ड को आपको निकाल लेना है बाहर। तो हमारे पास 24 इंच आ जाएगा। तो हमें इलास्टिक चाहिए 24 इंच की, तो ये इलास्टिक है ये मैं ले लूँगी 24 इंच की। तो ये इतनी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मैं कट कर देती हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से नाप लेना है। अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश कैसे करना है, ये वाला पीस लेना है, यहाँ सेंटर में निशान लगा लिया इस तरीके से। ये हमारा सेंटर यहाँ पे सेंटर में आएगा, ये वाली सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। यहाँ पे जो हमारा ये है वी बना है, जहाँ पे वी के साथ, इस वी के साथ मैंने यहाँ पे मिला लिया। ऐसे रखना है इस तरीके से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा,
ये मैंने इस पे पूरे पे इस तरीके से पट्टी लगा दी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हम इसमें इस तरीके से जो हमने इलास्टिक का नाप लिया हुआ था उसी नाप के अकॉर्डिंगली इसे अंदर इंसर्ट कर दें। ये मैंने इलास्टिक को बाहर निकाल लिया। पहले इलास्टिक को इस तरीके से करते हुए इलास्टिक पे सिलाई लगा दीजिए। लगा ली। अब हम इसे ये वाली पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसकी यहां से यहां तक थोड़ी सी मैं सीम को उधेड़ लेती हूं ताकि हम इसे अच्छे से फिनिश कर सकें। ये मैंने थोड़ी सी सीम उधेड़ ली, इसकी भी उधेड़ लीजिए। इस तरीके से थोड़ी सी सीम उधेड़ ली। अब ये जो कपड़ा है इसे अलग से पकड़ के पहले हम इस पे सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने इलास्टिक पे सिलाई लगाई थी। ये दोनों कॉर्नर पकड़ते हुए इस तरीके से इस पे सिलाई लगा दीजिए। ये मैंने सिलाई लगाई। अब इसे इस तरीके से सीधा कर दीजिए तो इलास्टिक अंदर की तरफ चलेगी। ऐसा करने से यहाँ से हमारा मोटा सा नहीं बनेगा और आपको चुभेगा नहीं। इस तरीके से करते हुए ये जो सिलाई उधेड़ी थी इसे दोबारा से लगा दीजिए। इस तरीके से ये देखिए, तो ये नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से हमारी इलास्टिक लग गई। अब हम एक सिलाई यहाँ इलास्टिक के ऊपर आप लगाना चाहते हैं तो इलास्टिक के ऊपर भी लगा लेते हैं राउंड में पूरा घुमाते हुए। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली। तो यहाँ से देखिए हमारी नीचे से इलास्टिक आ गई, यहाँ से स्ट्रैप भी एडजस्टेबल है। अब हम स्ट्रैप को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से करते हुए स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे सीध में, यहाँ पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लीजिए एक स्ट्रैप इस तरफ और सेम उस तरीके से एक स्ट्रैप को यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रैप को सिलाई से। ये मैंने स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इस तरफ एक इस तरफ। तो यहाँ देखिए नीचे इलास्टिक के साथ, यहाँ पे भी हमारी इलास्टिक है सॉफ्ट वाली एडजस्टेबल इस तरीके से। तो ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है इस तरीके से। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि हमने सारी जगह इसमें इलास्टिक लगाई है इस तरीके से। ये देखिए, और इलास्टिक भी सॉफ्ट वाली इलास्टिक लगानी है आपको इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है डिटेल में। तो बिल्कुल रेडी हो गई है।